हम लोग अपने घर में रोज अलग अलग तरीके की दाल बनाते हैं, उसे बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए तड़का भी लगाते हैं। कुछ लोग सिंपल हींग जीरे की छौंक लगाते हैं, तो कुछ लोग प्याज लहसुन टमाटर और अलग अलग तरीके के मसाले भी यूज करते हैं तड़का लगाने में। आप दाल कैसे भी बनाइए, बस इस वीडियो में बताई गई अगर आप ट्रिक फॉलो करते हैं तो आपकी घर की रोज बनने वाली जो दाल है उसका स्वाद दुगना हो जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाएगी। और ये जो ट्रिक है ये इतनी सिंपल सी है कि बहुत ईजिली आप इसे रोज फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए ये ट्रिक क्या है इसे आगे की वीडियो में देखते हैं। आज मेरे घर में बन रही है छिलके वाली उड़द दाल, इसको मैंने वॉश करके करीब आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। दाल यहाँ पे आप अपनी मर्जी की कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दाल को हमेशा भिगो के यूज़ करिए। इससे दाल जो है वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होती है बॉडी में, और जिस पानी में आप इसे भिगोएं वो पानी भी कुक करने में यूज़ करिए, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। अब इस दाल में मैं हल्दी नमक डाल के 3-4 विसल्स तक कुक करूंगी। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे दाल तो बिल्कुल सिंपल सी बन रही है, ऐसे सभी घरों में बनती है, इसमें ऐसा स्पेशल क्या है? तो स्पेशल ट्रिक को जानने के लिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चार विसल आते ही मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी, लेकिन इसकी स्टीम मैं नहीं निकालने वाली हूँ करीब 5 मिनट। इधर तड़के की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा करीब 1 चम्मच, और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हींग। और मैं जनरली तड़के में जो है वो कद्दूकस करा हुआ लहसुन और अदरक डालती हूँ। आप चाहें तो यहाँ सिंपल जीरे हींग की भी छौंक लगा सकते हैं। अब यहाँ से आप वीडियो को ध्यान से देखिए, जो सबसे पहली टिप है वो ये है कि जब भी आप तड़का दाल में डालें तो दाल बहुत अच्छी गर्म होनी चाहिए, साथ ही साथ तड़का भी अच्छा गर्म होना चाहिए। मतलब जब आप तड़का दाल में डालें तो एक जो चिरचिर चिरचिर वाली आवाज़ होती है वो आनी चाहिए। अब 5 मिनट हो चुके हैं, मैं इसकी स्टीम निकाल रही हूँ और इसमें फिर मैं तड़का ऐड करूँगी। दाल अभी काफ़ी गर्म है और मैं इसमें अभी तड़का ऐड कर रही हूँ। तड़का ऐड करने के साथ साथ मैं इसमें हरी मिर्च ऐड करूँगी। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो मिर्च काट के डालिए, नहीं तो जैसे मैं डाल रही हूँ साबुत हरी मिर्च आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे स्लिट करके भी डाल सकते हैं। अब मिर्च डालने के बाद मैं फटाफट से प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर रही हूँ और करीब 30 सेकेंड से 1 मिनट के लिए गैस फिर से ऑन कर रही हूँ। यहाँ पे गैस आपको बहुत ज़्यादा देर के लिए ऑन नहीं करनी है, बस 1 मिनट बाद मैं गैस को बंद कर दूंगी। और करीब 5 से 10 मिनट इसे बिल्कुल भी मैं खोलने वाली नहीं हूँ। इसे कहते हैं दाल को दम देना। यही स्पेशल ट्रिक है जो आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। इससे दाल का जो स्वाद है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, दुगना हो जाता है। अब दम देते हुए मुझे करीब 10 मिनट हो चुके हैं। दाल बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। यकीन मानिए इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी अपने घर में इस सिंपल सी ट्रिक को ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए दाल का स्वाद दुगना हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।